तीन बार पढ़ के बुक देख लिए, अभी 80-90% याद है। 20 पेज में मेरे जाने वाले जानते हैं, मात्र 20 पेज में नोट है कहीं भी। क्वालिटी रश्मिकांत 18-19 पेज में नोट है, बात करता हूँ। अब कभी नहीं पढ़ना है उसको, आप बोले से कभी चल जाएंगे एग्जाम में, सब ऊपर स्कोर कर लेंगे। बेसिक समझ क्या है कोई बता रहा, कैसे पढ़ा जाता है, टाइटल सीखे जैसे इंस्पेक्टर पढ़े, टाइटल क्या है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेन बड़ी पढ़ी आ जाएगा सर, और बुक तो कोई पढ़ाएंगे पहले परिचय होगा, इसका रीजन पता चलेगा क्या है, बोलते क्या वो बताइए, मेंस लिखना कैसे है, इस बैच में मतलब अधिकतर 2 साल बचे 2 साल ये अधिकतर का पढ़ा हुआ, ऐसा लिखना मुझे कहाँ से है, इंट्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं परिचय, प्रस्तावना नो सर, परिचय परिचय प्रस्तावना भी बोल सकते, अधिकतर अगर कोटेशन याद है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वहीं से स्टार्ट करिए, उसके बाद आपका परिचय के बाद सेकेंड पार्ट मुख्य बिंदु क्या है, अब इसी बीच में मुख्य बिंदु क्या है, अब 857 ग्रंथ की तो हो गया इंट्रोडक्शन, अब इससे हमसे क्या पूछा है, कारण पूछा या क्या पूछा होगा, इंट्रोड्यूस तो हम कर दिया, ये थी ये थी पूर्वोत्तर ये था मुख्य बिंदु, वहां से स्टार्ट करना है, यही तरीके से करना है, कारण पूछा है शरीर हो गया मुख्य आज शरीर है नीचे तो नीचे पैर वाला कंक्लूजन का पा गया, वही प्रकार आंसर भी लिखा जाता है, यहाँ पे आपको जो भी पूछना है लास्ट पॉइंट होता है कंट्रोल कैसे करना है, और आप जो लिखे ऊपर वाली चीजें उसका ओवरव्यू, ओवरव्यू कैसा यहाँ तक जो भी पाते यानी पॉइंट्स नहीं लिख पाए हैं उसको लिखना, रिपीट यहाँ वाली चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए अपने अवसर पे, सबसे बड़ी चीजें ये है और यही पे नंबर कटता है बच्चों, सबसे बड़ी चीज है इसको हमारे लिए कंक्लूजन अलग होगा, हमारे चेकर के लिए कंक्लूजन अलग होगा, खास करके जब क्वालिटी का क्वेश्चन आप डील कर रहे होंगे या आईआर का क्वेश्चन आप डील कर रहे होंगे, उसमें आपको स्कोप छोड़ना है, अगर मेरी बात को जो सहमत है तब तो ठीक है अच्छा चलेगा, नहीं भी है तो एक क्वेश्चन कंक्लूजन पर तो समझ लेगा कि उसके लिए बेस बेस यहाँ पे खाली है, तैयारी करेंगे हम लोग मेंस कर, अब मेंस जनरल से ज्यादा करो लेवल थ्री में 100 के ऊपर सोचते बस सिर्फ लिखा हो जाए मार्क जोड़ना है उसका, हाँ, उसका तो वर्क कहाँ पे मेंस इंटरव्यू आपके हाथ की चीज नहीं है, जितना अच्छा आप कर सकते हैं मेंस इसलिए कर लिया था, कटे 75 मतलब मार्क्स जाता था, मैं इंटरव्यू बैठ के जाता तभी मेरा हो जाता सिलेक्शन, इंटरव्यू 66 मार्क दिया था जबकि 28 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला था, इंटरव्यू में इनको अच्छा नंबर देता तो बेस्ट ही हो, इतना इनका मैं मुख्य परीक्षा में था, तैयारी थोड़ा ऊंचा करिए मिलेगा फिर तो, और कुछ कुछ नहीं है ऑप्शनल, ये भी ठीक है सबसे बड़ा यही चीज होना चाहिए, ऑप्शनल हम कैसे सिलेक्ट करें और सही ऑप्शन मेरा कैसे, देखिए दो चीजें ऑप्शनल आप पे डिपेंड करता है
टोटली आपको डिपेंड करता है। जो अगर आप ग्रेजुएशन में सही से पढ़े आगे के उसी के साथ कैरी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक ही ऑप्शन के साथ आपका ग्रेजुएशन भी है और ऑप्शनल भी है, तो क्वेश्चन इंटरव्यू में कब पूछा जाएगा इधर तरीके। एक अगर ऑप्शनल चेंज कर रहे हैं दो चीज, स्पोर्ट्स का कितना हो रहा है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद उस सब्जेक्ट का प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, स्पोर्ट्स कितना है, वो भी कम देखा जाता है। मेन से लेके मेनली डिपेंड करता है ऑप्शनल आपके, अगर आप उसमें अच्छा लेके आते हैं, अच्छा लिख के आते हैं, पीछे सिलेक्शन हुआ पहले आपका होना है, वैसा लिख रहे तो आप 100% उसमें सक्सेसफुल रहिएगा। इसलिए आप डिपेंड करें आपका इंटरेस्ट क्या है, और किसी को सेलेक्ट करने में दिक्कत है ना, क्या करिए 3-4 15 रुपये हम तो प्रीवियसर क्वेश्चन देता हूँ ऑप्शनल का, ले आइए थोड़ा देखिए आपको क्वेश्चन किसमें अच्छा लग रहा है, और टॉपिक की जानकारी है कितनी जानकारी है, और लिखने का प्रैक्टिस करिए किस ऑप्शनल का अच्छा लिख रहे हैं, और ले लीजिए उसको, उसमें इंटरेस्ट है तभी तो अच्छा लिख रहे हैं। जब आपका किसी में इंटरेस्ट होगा तभी तो उसमें अच्छा लिख पाइएगा, वही चीज़ है, इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। 500 ऑप्शनल एक ही जैसा आता है, अब बिहार में दूसरा मैथ में ज़्यादा आ रहा था, सब मैथ ले लीजिए उससे पता चला सिलेक्शन में। और कुछ सर, मैं जब यहाँ 10 पॉइंट में स्पेक्ट्रम खत्म कर दिया हूँ, सिलेबस क्या बात है, कहाँ सिलेबस है यार, बेटी ने उसमें क्या मतलब सिलेक्शन की बात होती है, आपकी पेपर कितना भी अच्छा आप भी डिपेंड, हाँ ज्यादा बच्चे रहते हैं उसके अभी मार्क्स का पेपर लगवा, आप देखेंगे सिलेबस पूरा टॉपिक को ना अलग अलग करके लिखा, जैसे अमरीकी ग्रीवुड है ना, इसको लिख दिया कारण परिणाम, ये आपको पढ़ना क्या है, अमरीकी ग्रीवुड पढ़ना एक टॉपिक, तो 500 खत्म हो गया वहीं पर, आप टॉपिक कवर करिए ना तो फिर सिलेबस उसके अपने आप कवर हो जाएगा। किसी का सिलेबस बड़ा हो छोटा नहीं होता, पहले तर्जुम का कम है जब पढ़ने जाइए तो उनकी आपको बहुत बड़ा लगेगा, उसमें क्यों है, उसमें आपको करेंट एडिशन करना पड़ता है, जो भी संशोधन हुआ वो नहीं लिखेगा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और कुछ जैसे कि वह डिसिप्लिन सक्सेस का कोई भी एग्जाम का बैकग्राउंड होता है उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक उसके अनुसार आपको टॉपिक्स को कवर करना है क्वेश्चन को नहीं।